नमस्कार दोस्तों, नेचर एवन चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एच एस मीना। आज मैं आपको ऐसी क्रीम के बारे में बताऊंगा जो आपके चेहरे को किस तरीके से साफ करेगी। बहुत से आपने चमत्कारी नुस्खे यूट्यूब पे देखे होंगे, इनो वाला नुस्खा आपने देखा होगा, काफ़ी वीडियो भी वायरल हुआ है। विटामिन ई का तो इतना वायरल हुआ है कि वो जो विटामिन ई के कैप्सूल है वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं, जल्दी से मिलते भी नहीं है। लेकिन इनको लगाने से पता नहीं कोई गोरा हुआ है या नहीं हुआ है, उसका चेहरा साफ हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन मैं आज आपको जो क्रीम बताऊंगा, बहुत से होम्योपैथिक डॉक्टरों ने उस क्रीम के बारे में बताया है, गोरा होने के लिए आपको बताया है। लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा, आपका रंग कैसा भी हो, काला हो, गोरा हो, सांवला हो, गेहुआ हो, पीला हो, किसी भी रंग की आप हो, वो सब पे काम करेगी। और वो आपके चेहरे पे जो गंद जमी रहती है उसको साफ करेगी। जब चेहरे की गंदगी साफ हो जाएगी, वो किसी भी कलर, अपना चेहरे का कैसा भी कलर हो, सब पे गंद जमती है, मैल सा जम जाता है, उसकी वजह से स्किन खराब हो जाती है और वो कालापन सा आना चालू हो जाता है। तो उसको दूर करने के लिए मैं आपको क्रीम बताऊँगा, और उस क्रीम को जो लगाने का तरीका है वो मैं बताऊँगा। उसको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेज के हिसाब से मैं बताऊँगा। ज़्यादातर पेशेंट अगर उस क्रीम को लगा भी चुके हैं तो वो फर्स्ट और सेकंड स्टेज के हिसाब से ही उस क्रीम को लगाते हैं। और मैं जो आपको जो चमत्कारी तरीका बताऊंगा, ना तो इसके बारे में किसी को पता है, इसलिए आपको किसी ने बताया भी नहीं होगा। आज मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा उस क्रीम के बारे में। मैं अपने चेहरे पर लगा के आपको सब कुछ दिखाऊंगा कि वो किस तरीके से काम करती है। और अभी लगाऊंगा और अभी वो काम करेगी। पहले हमें फेस वॉश से अपना चेहरा धोना है। तो मैं फेस वॉश ले लेता हूँ। पहले तो मैं थोड़ा पानी से अपना चेहरा धो लेता हूँ। अब फेस वॉश अभी मेरे पास पॉन्ड्स का है, वाइट ब्यूटी वाला, इसी को लगा लेते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा काम करता है, इससे भी चेहरा काफ़ी अच्छा साफ हो जाता है। इस तरीके से आप लगाओ, फेस वॉश ले लेना, आपके पास जो भी फेस वॉश हो उससे चेहरा धो लेना। अगर आपको ये पॉन्ड्स का वाइट ब्यूटी वाला मिल जाए, ये भी काफ़ी अच्छा चेहरा साफ करता है ऐसे, तो ये वाला भी आप ले सकते हो। इस तरीके से आप चेहरे को धो लेना, मैं धो लेता हूँ। टॉवल से पूछ लो। अब जो क्रीम आपको मैं बता रहा हूँ वो क्रीम देख लीजिए, ये सनी हर्बल की है, फेयरनेस क्रीम, हर्बल क्रीम है। यूट्यूब पे काफी वीडियो मिल जाएंगे इसके। ये वुमेन वाली है, ये मैन वाली है, ये देखिए, महिलाओं को ये वाली लेनी है, पुरुषों को ये वाली लेनी है, सनी हर्बल की है। अब इसको लगाना कैसे है, अब आपको ये क्रीम ज़्यादातर डॉक्टरों ने बताया था इसको लगाने से गोरे हो जाते हैं। ज़्यादातर हम क्रीम लगाते हैं तो इस तरीके से लगाते हैं, जैसे थोड़ी सी क्रीम ली और इस तरीके से चेहरे पे लगा ली, ये हमारा तरीका होता है। चेहरे पे जो क्रीम लगाते हैं वो इस तरीके से क्रीम लगाते हैं, और जिन्हें गोरा होना होता है वो थोड़ी सी ज़्यादा लेके और इस तरीके से लगा देते हैं, अच्छी तरह से मसाज करते हैं, इस तरीके से लगाते हैं। अब ये फर्स्ट सेकंड स्टेज मैंने बता दी, अब आपको क्या करना है, थोड़ी क्रीम ज़्यादा ले लेना और चेहरा गीला नहीं रहना चाहिए, टॉवल से अच्छी तरह से पोंछ लेना। अब इसको क्या लगाते हैं, ऐसे रगड़ते जाओ चेहरे को, अब देखना आप। जो भी चमत्कार होएगा आपके सामने होएगा।
ऐसे रगड़ते जाना, चेहरे की जितनी भी गंदगी है वो सारी बाहर निकाल देगी ये क्रीम, देखना अभी। अब आप इससे गोरे हो या नहीं हो, लेकिन आपके चेहरे की जो सफाई है, चेहरे के अंदर की गंदगी है, वो सारी ये निकाल देगी क्रीम। ये क्रीम पूरी तरीके से अंदर चली गई, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है उसके बाद में, अब ऐसे रगड़ते जाओ धीरे, अब जोर से ऐसे रगड़ना है ना, देखते जाओ ऐसे रगड़ते जाओ। ये देखो ये मैल की तरह अंदर से पूरी गंदगी को ये खींच लाएगी, ये देखो खींच ली, देखा, ये देखो ये अब करीब अंदर से इस तरीके से छूटती जा रही है, देखते जाइए। और ये वाला जो मैंने तरीका बताया, ये पूरी गंदगी अब देखिए, अब चेहरा यहाँ से हो गया लाल सा, अंदर से गंदगी निकाल दी इसने। अब पूरे चेहरे पे आप लगा सकते हो, यहाँ की हटाते हैं गंदगी, है ना, यहाँ की हटाते हैं अपन। देखते जाइए आप चमत्कारी नुस्खा। इस तरीके से आप, आपका रंग कैसा भी हो, सभी रंग वाले अपने चेहरे को इससे साफ कर सकते हैं। अंदर की गंदगी जब बाहर आ जाएगी तो चेहरे पर अपना आप निखार आ जाएगा, चमक आ जाएगी। ये क्या क्रीम अंदर जाने के बाद में दोबारा आप रगड़ोगे ना, तो फिर ये अंदर की गंदगी को निकालेगी। अपन क्या करते हैं, जैसे क्रीम लगा के छोड़ देते हैं इसको, या तो हल्का सा लगाते हैं या थोड़ा सा रगड़ के छोड़ देते हैं, लेकिन ये उसके बाद काम करती है। अभी अंदर चले गई ना, आप देखो आपको जैसे वीडियो में ऐसे लग रहा होगा मैं बहुत ज़ोर से रगड़ रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अब धीरे धीरे आराम से रगड़ोगे ना, अब ये देखो देखो छूट रही है ना, ये देखो इस तरीके से ये अंदर जाने के बाद में बाहर आती है। ये देखो इस तरीके से आप अपने पूरे चेहरे पे लगा के पूरी गंदगी को हटा सकते हो। हफ्ते में एक बार या दो बार आप इस तरीके से करो, आपके चेहरे पर कभी भी मैल गंदगी सी जमेगी नहीं, उसको पूरा निकाल देगा। फेस वॉश से इतना अच्छा साफ नहीं होता है चेहरा, तो आप इस तरीके से साफ करें हफ्ते में 15 दिन में इस वाली क्रीम से। हुआ देखा सब आपके सामने, मैं चेहरा धो लेता हूँ। थोड़ा अंधेरा भी हो रहा है बाथरूम में, आपका इस तरीके से आप अपने चेहरे का पूरी गंदगी अपने चेहरे की निकाल सकते हो। पूरे चेहरे पर अच्छी तरह से लगाना क्रीम को और अच्छी तरह रगड़ना, तो अंदर चले जाएगी ये क्रीम। उसके बाद में आप क्या करना, अंदर बिल्कुल चले जाने को, और उसके बाद में आप थोड़ा जोर से रगड़ोगे ना, तो उसके बाद में ये क्रीम बाहर आएगी और अंदर की जितनी भी गंदगी है मैल है उसको निकाल देगी। तो ये काफ़ी अच्छा काम करती है, काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट है। इस तरीके से आप लगाओ, सारा कुछ मैंने आपके सामने ही करके दिखाया है। तो आप इस तरीके से इस क्रीम का यूज़ में लो,
ये सनी हर्बल की क्रीम है, होम्योपैथिक, डॉक्टर काफ़ी इसके बारे में बताते रहते हैं। ये देखिए तो इस तरीके से आप इसे काम में लो, और फेस वॉश आपके पास जो भी आप काम में लेते हो ले लो, नहीं तो पॉन्ड्स का आपको मिल जाएगा आसानी से, वाइट ब्यूटी वाला ले लेना, वो भी काफ़ी अच्छा चेहरे को साफ करता है। तो इस तरीके से आपको अपने चेहरे को साफ करना है, और ये इनो इनो के चक्कर में ना पड़े, आपके चेहरे को आप नुकसान पहुंचा रहे हो इस तरीके इनो इनो लगा लो मुझे, तो इन चीज़ों पे ध्यान ना दें। आपको मैंने सही तरीका बता दिया है, चेहरे को आपको साफ करना है, इस तरीके से आप क्रीम से भी साफ कर सकते हो और किसी तरह की हानि नहीं होगी आपको। मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को, और मैं इसी तरह की जानकारी आपको आगे भी देता रहूँगा। और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार, फिर मिलते हैं ऐसे।